नमस्कार जी सभी को, आज हम ले आए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की लव ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ मैटर की, जिसके अंदर हमने फ्यूजन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ऐसे फिनोमिनास की डिस्कशन की। तो आज हम जो लेक्चर लाए हैं उसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग इवेपोरेशन वर्सेज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो अपनी वेपर स्टेट में चला जाता है, उसे मींस लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस है वो चला जाता है, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, वेपोराइजेशन। लेकिन अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करें, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि डेली आप लोगों के घर में कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धोने के बाद उनको सुखा दिया जाता है किसी वायर के ऊपर या कहीं भी किसी भी स्टैंड के ऊपर उनको सुखा दिया जाता है, क्या कभी ऐसा हुआ है? हम लोगों को ये पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्या आप अपने कपड़ों को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले लेके बैठते हैं, आप लोग गैस के ऊपर रख देते हैं कि चलो जी 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसमें से वाटर निकलेगा फिर ये सूखेंगे? नहीं, बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुँचे बिना आपके कपड़े सूख जाते हैं। आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, अभी जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में घरों के बाहर छिड़काव करते हैं, पानी वगैरह बिखेर देते हैं लोग छतों के ऊपर, या क्या होता है कि हम लोग पक्षियों के लिए किसी बॉल के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, किसी बीकर के अंदर पानी रख देते हैं ताकि बर्ड्स जो हैं वो उसको पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। लेकिन अगर बर्ड्स उस पानी को कंज्यूम नहीं भी करते फिर भी वो पानी वहाँ से गायब हो जाता है, पानी उड़ जाता है। कैसे उड़ गया पानी? उड़ने के लिए तो पंख चाहिए, पंख लगा दे रे, ये क्या बेसुरा सा गाना गा रहे हैं, पढ़ाने आए हो पढ़ाओ। लेकिन लिंक तो इस चीज़ का है, देखो पंख लगा दे रे, पंख आए कहाँ से? अगर पानी उड़ रहा है तो पानी को पंख दिए किसने? हीट ने। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बिना ही उसको हीट मिल गई और उस हीट को से इतना टेम्परेचर मिल गया कि पानी चला गया। एक्चुअल में जो ये प्रोसेस है जहाँ पे बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे लिक्विड अपनी वेपर स्टेट में पहुँच जाता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब आप कहेंगे कि फिर वेपोराइजेशन रॉन्ग है या इवेपोरेशन ठीक है या वेपोराइजेशन ठीक है, दोनों ही फिनोमिना करेक्ट हैं। जो वेपोराइजेशन है उसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड को हीट करते हैं और पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट के अंदर चला जाता है। लेकिन इवेपोरेशन जो है इसके अंदर ये जो प्रोसेस है इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, ये सरफेस पे ही होता है, बल्क से इसका लेना देना नहीं है। अब होता क्या है, इवेपोरेशन हो चाहे वेपोराइजेशन हो, दोनों के अंदर ही होता क्या है, हम हीट देते हैं। हीट देने से जो उसके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दे गेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं मतलब वो खुद, वैसे भी हम लोगों को ये पता है नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, हर मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस रेंडम मोशन, दे आर ऑलवेज मूविंग। अब मूविंग है, आप लोगों ने उन्हें टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दिया, आप लोगों ने उनकी काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ा दिया। अब मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा फुदक रहे हैं क्योंकि उनके पास थोड़ी ज़्यादा स्पेस है। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर सपोज मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, हम लोगों को पता है अलग अलग लेयर्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इन अ लिक्विड अरेंज हैं। अब देखिए ये जो कोई पार्टिकल ये अंदर पड़ा हुआ है ये बेचारा तो बुरे तरीके से फंसा पड़ा है, इसके इधर भी पार्टिकल, इधर भी पार्टिकल, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ इसके पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स हैं। अगर ये बेचारा फुदकना भी चाहे तो यहाँ ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपना बेचारा रह जाएगा। लेकिन जो ये सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं इनके पास बड़ी स्पेस है, ये तो बड़े आराम से ऐसे ऐसे उछल सकते हैं यहाँ से। हम लोग जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी इनका जो फुदकना है वो बढ़ जाएगा, means they will gain more kinetic energy as compared to bulk particles। और दूसरी important चीज़ कि ये वाले जो particles हैं इनको, इनके साथ जो bonding है वो सिर्फ इन particles की ही है, ये भी देखिए ध्यान से, क्योंकि जो particle अंदर है उस particle की bonding बहुत सारे particles के साथ, उसको बहुत सारों ने खींच के रखा हुआ है, इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी वो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जो सरफेस वाले हैं, ये वाला जो पार्टिकल, इसको कंसिडर कीजिए, इधर से बॉन्डिंग, इधर से बॉन्डिंग, इधर से बॉन्डिंग, ऊपर से खाली, मीन्स इसके पास जो बॉन्डिंग है वो कम है, इसको थोड़ी सी एनर्जी हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर आ जाएगा। तो यही होता है इवेपोरेशन के अंदर कि हम जो क्या करते हैं कि लिक्विड को थोड़ी सी हीट अगर हम कहीं से प्रोवाइड करते हैं या लिक्विड कहीं से कोई थोड़ी बहुत हीट अटेन कर लेता है तो उसके जो सरफेस के पे पड़े हुए पार्टिकल्स हैं दे विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो हीट इतनी ज़्यादा सफिशिएंट है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी बॉन्डिंग को ओवरकम कर ले तो वो पार्टिकल्स वहाँ से बाहर आ जाते हैं। And that is termed as evaporation.
डेफिनेशन हमने यहाँ इवेपोरेशन की लिखी है. देखिए क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. यही वेपोराइजेशन भी थी, लेकिन कहानी अभी बाकी है. सस्पेंस क्या है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ये जो पॉइंट है ये डिफरेंस क्रिएट करता है इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के अंदर. वेपोराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट होती है और इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होती है, कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हम लोग नहीं करेंगे एक्चुअल में, वाटर या लिक्विड जो है वो करेगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे, उस सर्फेस को छोड़ के चले जाएंगे. इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन. तो अब ये इवेपोरेशन जो है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या हम इसे ऑल्टर कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई चेंजेस कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन डू. तो मैं लिखूंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. आप लोगों को इतना तो समझ आ गया है कि कॉज ऑफ इवेपोरेशन क्या है. कॉज ऑफ इवेपोरेशन क्या है, कि जो सर्फेस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ ए लिक्विड गेन सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड ओवरकम देयर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस एंड लीव द लिक्विड सर्फेस. ध्यान से सुनिए, कॉज ऑफ इवेपोरेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सर्फेस गेन हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड ओवरकम देयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड लीव द लिक्विड सर्फेस. क्या करते हैं कि जो बॉन्डिंग है उससे ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाती है बाहर से. जैसे अंग्रेजों की राजनीति हुआ करती थी, फूट डालो और राज करो. मतलब कि अगर दो तीन चीज़ें, दो या तीन या चार या पांच पर्सन आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब उनके बीच में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बड़ी अच्छी इंट्रैक्शन है, और अगर आप लोग कोई किसी एक से काम करवाना चाहते हैं विच इज़ अगेंस्ट देयर विश, तो उनको तोड़ दो. यही चीज़ यहाँ पे भी है. सराउंडिंग्स क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है, वो हीट जाके क्या करेगी, इनकी आपस की बॉन्डिंग्स को तोड़ देगी. और वो बॉन्डिंग हमें पता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए, सरफेस पार्टिकल्स के लिए कम है और बल्क बल्कों के लिए ज़्यादा है. इसलिए जितनी भी हीट इनको सराउंडिंग से मिलती है उतनी ही हीट लेके ये मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं. तो डेफिनेशन हो गई है इवेपोरेशन की, कॉज हो गया है इवेपोरेशन का. अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि क्या हम इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, क्या हम इवेपोरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स. देखिए सबसे पहला जो पैरामीटर है उसकी मैं बात करूंगी, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया एक ऐसा पैरामीटर है जिसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से इवेपोरेशन में चेंजेस आते हैं. इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल आप लोग एक प्लेट के अंदर पानी ले लीजिए और आप लोग एक बीकर के अंदर पानी ले लीजिए, और आप लोग दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करिए, धूप में रख दीजिए, दो या तीन घंटे बाद ऑब्जर्व कीजिए, जो प्लेट का पानी होगा उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू बीकर. क्लियर कट हमें समझ आ रहा है, बिकॉज इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है. जैसे ही आप सरफेस बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर ज़्यादा आ गए तो वो ज़्यादा खुदक खुदक के बाहर निकलेंगे, और जो अंदर वाले हैं वो कम हैं. बीकर के अंदर सरफेस छोटी है, कम है, इसलिए उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे इवेपोरेशन की वजह से, जो अमाउंट में चेंज आएगा दैट विल बी स्मॉलर, दैट विल बी लेसर. तो इस वजह से सरफेस, इसका अगर मैं आप लोगों को इफेक्ट बताने की कोशिश करूं, तो क्या होता है कि गर्मियों में जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, ये सूख जाते हैं, पानी पूरा फैला होता है सरफेस के ऊपर, इवेपोरेट हो के क्या हो जाता है, पानी उनके अंदर खत्म हो जाता है. सो जो इवेपोरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सेकंड पॉइंट में अगर मैं बात करूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आल्सो. अभी हम बार बार बात कर रहे थे कि फूड डालो, राज करो, फूड कौन डाल रहा है, हीट, पंख दो इनको ये उड़ जाएगा, पंख कौन दे रहा है, हीट 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 हीट, बार बार हम लोगों को ये सुनने को मिल रहा है. हीट आई कहाँ से, टेम्परेचर से मिलती है. काइनेटिक एनर्जी चेंज कहाँ से होती है, टेम्परेचर से चेंज होती है. तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्चुअल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है किसी एक पर्टिकुलर फ्री पार्टिकल की, वो 3/2 kT होती है. टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी. चीज टेम्परेचर के इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से पार्टिकल्स विल गेन मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी. ज़्यादा फुदकेंगे, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इमीडिएटली आसानी से वो बाहर निकल जाएंगे. तो आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप लोग, वही मैं कहूँ कि आप लोग एक बीकर ले लीजिए या दूसरा बीकर ले लीजिए, एक बीकर को धूप में रख दीजिए, एक बीकर को आप लोग शैडो में रख दीजिए, छाया में रख दीजिए, एंड यू विल ऑब्जर्व कि जो धूप में रखा हुआ बीकर है उसके अंदर का पानी ज़्यादा उड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है. तो टेम्परेचर के साथ भी जो इवेपोरेशन है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन विल इंक्रीज.
तीसरा अगर मैं कहूँ कि जो इवेपोरेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, कि एयर के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, वाटर का कंटेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जून जुलाई का मंथ होता है इंडिया के अंदर, तो कपड़े बड़े जून के मंथ में, जून है मई है, तो इसमें कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं. लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर मानसून का मौसम आता है तो कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं. क्योंकि कपड़े सूखने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कपड़ों के अंदर वाटर की लेयर है, सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट ले लेते हैं सराउंडिंग से और खुद बाहर निकल जाते हैं. हीट लेके वेपर स्टेट में चले गए तो खुद वहाँ से चले जाते हैं. लेकिन जब ह्यूमिड है एयर, मतलब एयर के अंदर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो क्यों और वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेगी? आप उसे देने की कोशिश करेंगे, कपड़ों के पास तो पानी है, वो पानी कहेगा कि मैं वाटर एयर के अंदर जाना चाहता हूँ. लेकिन एयर कहेगी ना रे ना रे ना, मैं तो ना लूँ. क्यों ना ले? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वाटर का कंटेंट है, बहुत ज़्यादा है. तो ऑलरेडी एक ह्यूमिड एयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. अगर ना हो, ड्राई एयर में वाटर कम होता है, तो उसके अंदर इवेपोरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो ह्यूमिडिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इवेपोरेशन की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. फोर्थ पॉइंट में अगर मैं ले लूँ तो विंड स्पीड. इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड. मतलब हवा जितनी तेज चलेगी, इवेपोरेशन का जो रेट है या स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा होगी. अगर वही कपड़ों के सूखने की मैं बात करूँ, अगर हवा चल रही है, धूप है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट उनको मिल रही है, तो बड़ी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है, दे विल टेक सम टाइम. अब विंड करती क्या है, हवा क्या करती है? देखिए, जैसे ही मतलब आपके पास एक कपड़ा है, आपने उसको सूखने के लिए डाला हुआ है, उसके अंदर से लिक्विड, उसके अंदर से हीट लेके वापस निकले, यहाँ खड़े हो गए, लेकिन विंड चल रही है, हवा चल रही है, उन्हें दूर ले गई. यानी कि अब फिर से जो कपड़ों के पास हवा है उसमें फिर से मॉइस्चर नहीं है, वो फिर से ले लेगी, फिर दूर चली जाएगी, फिर से ले लेगी, फिर दूर चली जाएगी. मीन्स वेपर्स वो कपड़ों में से निकलते जाएंगे, हवा उन्हें दूर ले जाती जाएगी. तो इन दिस वे जो इवेपोरेशन है वो विंड स्पीड पे भी डिपेंड करती है. विंड स्पीड जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा निकल के दूर जाए जाएंगे पार्टिकल्स, और इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होता रहेगा. तो विंड स्पीड के साथ इवेपोरेशन का जो रेट है दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सीधा लिंक आपको लिक्विड देख के ही पता लग जाता है. जितना ज़्यादा डेंसर लिक्विड होता है उतनी ज़्यादा उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. अब देखिए, आप लोग देखते होंगे कि वाटर को अगर हम रखें, वाटर के कंपैरिजन में आप लोग इथेनॉल को रखें, नेल पेंट रिमूवर को रखें, सैनिटाइजर्स वगैरह रखें जिनके अंदर एल्कोहल होता है, तो वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं. लेकिन वाटर को इवेपोरेट होने में टाइम लगता है. रीज़न क्या है कि वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और इथेनॉल के अंदर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसको तोड़ने में भी उतना टाइम लगेगा, तो इवेपोरेशन विल कंज्यूम टाइम. सो दैट इज़ वाई इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. हमने इवेपोरेशन की डेफिनेशन कर ली है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. स्पॉन्टेनियस चेंज है, लिक्विड अपने आप जाता है. और हमने कॉज ऑफ इवेपोरेशन भी कर लिया कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के पार्टिकल्स हैं, दे गेन सफिशिएंट एनर्जी, और एनर्जी गेन करके वो लोग क्या, लोग नहीं सॉरी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये चले जाएंगे एयर के अंदर. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी देर से ये बोली जा रहे हैं, बकबक बकबक करी जा रहे हैं, इस प्रोसेस का काम क्या है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूजेज है इसका, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन इन आवर डेली लाइफ, कि कहाँ कहाँ आप अपनी डेली लाइफ में इस प्रोसेस को होता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं. तो चलिए एक फीलिंग लेते हैं, महसूस करते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसे देखते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेनफॉल की, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश की ज़रूरत सब लोगों को महसूस हो रही होगी. रेनफॉल के पीछे का क्या प्रोसीजर है, आप लोगों ने डेफिनेटली लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा. क्या प्रोसीजर होता है वो, कि लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सी है, वहाँ पे बहुत सारा वाटर सरफेस पे होता है. वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट लेता रहता है, वेपर स्टेट में चेंज होता रहता है, और ऊपर जाके क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, कंडेंसेशन होगी, क्लाउड्स बन गए हैं. फिर वो क्लाउड्स जब जाके आगे मूवमेंट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस रेनफॉल हो जाता है. मतलब जो क्लाउड्स बनने
की फॉर्मेशन है दैट इज ड्यू टू इवेपोरेशन. मतलब अगर इवेपोरेशन ना होती तो बादल ना होते, बारिश ना होती तो बारिश की ऋतु ना आती और आप लोग इतना अच्छा खुशनुमा महसूस नहीं करते. तो फर्स्ट तो यही हो गया. सेकेंड में अगर मैं लिखूँ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉमन सॉल्ट एट शैलो लैगून्स. मतलब क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, वो किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है कि जो सी वाटर होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, सी वाटर को स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है बिल्कुल एक सरफेस के ऊपर, और जैसे ही वो इवेपोरेट होता है तो वहाँ पे जो नमक के ट्रेसेस हैं वो रह जाते हैं. तो फिर वो लोग क्या करते हैं, नमक की ढेरियाँ लगा लेते हैं. मतलब सी वाटर से की इवेपोरेशन से हम लोगों को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है. मतलब जिसके बिना आप लोग कहते हैं कि सब्जी करारी नहीं बनी, ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, वी आर नॉट फीलिंग सॉल्टी. तो ये जो सॉल्ट की ऑब्टेनिंग हम लोग ऑब्टेन करते हैं जो सॉल्ट को, दैट इज ड्यू टू इवेपोरेशन. उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि गर्मियाँ बहुत है, पसीना बहुत आता होगा आप लोगों को, तो when we sweat, द स्वेट इवेपोरेट्स. The sweat evaporates by taking heat from our body. ये भी डे टू डे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जैसे ही गर्मी है, आप लोग खड़े हैं कहीं पे, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ गया है, अब जैसे ही आप फैन के नीचे आके बैठते हैं, वाह बड़ा जन्नत का एहसास हमें होता है. क्योंकि होता क्या है कि वो स्वेट आपकी बॉडी में से इवेपोरेट होके जाना शुरू हो जाता है. अब वो जाता कैसे, आपकी बॉडी से हीट लेके जाता है, हीट ले ली उसने आपकी बॉडी से, तो आपकी बॉडी की हीट कंटेंट कम हो गया, यू विल फील कूलर, तो आपको तब ठंडा महसूस होता है. तो ये जो स्वेट का हमारी बॉडी से निकल के इवेपोरेट हो जाना है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेपोराइजेशन. उसके बाद एक लोग हम शुरू से ही बात कर रहे हैं ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन. जो कपड़े हवा में सूखते हैं, धूप में सूखते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इवेपोरेशन. दूसरा अगर मैं इसके बाद बात करूं, जो सैनिटाइजर्स का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी हम किसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. आप लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर लेते हैं, उसे यहाँ पर थोड़ा सा रखा, आप करते कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे ऐसे किया एंड गायब होने का मतलब है कहाँ गया वो, इवेपोरेट हो गया. दिस इज नथिंग बट इवेपोरेशन. अब ऐसा तो है नहीं है कि मैंने यहाँ पे सैनिटाइजर डाला फिर मैं जाके गैस के ऊपर अपना हाथ ऐसे रख लिया कि चलो जी इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब ये मेरे हाथ में से निकल के जाएगा, ऐसा तो है नहीं है. मैंने जस्ट ऐसे ऐसे रबिंग की एंड इट इज वैनिश्ड, खत्म हो गया. ये खत्म क्या हो गया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसने क्या किया कि जो लिक्विड मैंने यहाँ पे अपने हाथ के ऊपर डाला, इसने मेरे हाथ से हीट ले ली और उस हीट से वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होके एयर के अंदर कंटामिनेट हो गए हैं जाके. सो दिस इज इवेपोरेशन. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं इवेपोरेशन का एक और लूँ, आप लोग नेल पेंट रिमूवर्स जो हैं आप लोगों ने बहुत यूज़ किए होंगे. नेल पेंट रिमूवर जैसे ही आप लोग निकालते हैं, आप लोगों ने इसको ऐसे ही नेल के ऊपर डाला तो आप लोगों को बड़ा ठंडा फील होता है. अगेन यही चीज़ है, इसके अंदर भी इथेनॉल प्रेजेंट होता है. इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, जो इवेपोरेशन पॉइंट रादर मुझे कहना चाहिए, कि बहुत कम होता है. इसने हीट ली आपकी बॉडी से और इवेपोरेट हो गया और जाते जाते अपने साथ नेल पेंट के ट्रेसेस को भी ले गया है. दैट इज़ वाई आपके नेल्स क्लीन हो जाते हैं. और जो आपको ठंडा महसूस होता है, दैट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन. क्योंकि इवेपोरेशन के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए और वो हीट जो है कहाँ से मिल जाती है, इनको हमारी बॉडी से. तो अगला जो पॉइंट मैं लिख रही हूँ वो है नेल पेंट रिमूवर. तो नेल पेंट रिमूवर के अंदर भी कॉन्सेप्ट किसका है, इवेपोरेशन का ही कॉन्सेप्ट है. यही चीज़ अगर मैं बात करूँ कि जो डेजर्ट कूलर्स हैं, दोज ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन. मैं इसकी डेफिनेशन अभी रेज कर देती हूँ, आप लोगों ने नोट कर ली होगी अब तक. तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसकी, सेवन्थ नंबर, वर्किंग ऑफ डेजर्ट कूलर्स. जो डेजर्ट कूलर्स हैं, दोज ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन. उसके बाद अगर मैं बात करूँ ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, आयनिंग ऑफ क्लोथ्स,
कुछ लोगों के घर में कपड़े प्रेस किए जाते होंगे, कुछ लोग वॉशरमैन को दे देते होंगे, लेकिन पता सबको है किया क्या जाता है, थोड़ा 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 उनको हम लोग कहें कि मॉइस्चराइज किया जाता है, उनको थोड़ा 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 वाटर का कंटेंट दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर आयरन को प्रेस को फेर दिया जाता है। एक्चुअल में वो जो आयरनिंग करते हैं, वो आयरन करती क्या है, उसको हीट प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपके कपड़ों के अंदर मॉइस्चर की लेयर है, उसके अंदर वाटर कंटेंट है। जैसे ही आप उसको उसके ऊपर चलाते हैं हीट करके, इट प्रोवाइड्स हीट, और वो हीट गेन करते ही वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वेपर्स बन के बाहर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ही वो क्या हो गए हैं, इवेपोरेट हो गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप लोग चाय बहुत पीते होंगे, चाय पीते होंगे, दूध पीते होंगे, तो हॉट टी जो है, गर्म चाय थोड़ी ही देर में, आप लोगों ने हवा के अंदर रख दी हो थोड़ी देर में, अपने आप ठंडी हो जाती है। कैसे ठंडी होगी? हॉट टी गेट कूल्स आफ्टर सम टाइम, अपने आप को क्या हो जाती है, कुछ देर में ठंडी हो जाती है। कैसे ठंडी हो जाती है? कि जो चाय के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर, वो क्या करते हैं कि हवा से, सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लेके वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। हवा से नहीं बोल रही हूँ मैं, सॉरी, जो टी से ही वो एनर्जी ले लेते हैं। टी की सरफेस के ऊपर आप लोगों ने एक कप के अंदर चाय जो है वो रखी हुई है, यहाँ पे चाय है, टी रखी हुई है, जो इसके टॉप मोस्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं, इनका मन कर रहा है, ये टिक नहीं पा रहे हैं बेचारे, इनका मन कर रहा है बाहर जाने का, तो बाहर जाने का तरीका क्या, इनको हीट चाहिए, वो हीट ये कहाँ से ले लेंगे, दूसरे टी मॉलिक्यूल से हीट गेन करके ये कुछ यहाँ से निकल जाएंगे, और ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये टी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से टी के ठंडे होने का प्रोसेस जो है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो अर्थन पॉट्स हैं, मटके हैं, अर्थन पॉट्स के अंदर का जो वाटर होता है, मुझे लिखना चाहिए, वाटर रिमेन्स कूलर, ठंडा रहता है इन अर्थन पॉट्स, कि पानी जो है मिट्टी के घड़ों के अंदर, मटके के अंदर ठंडा रहता है। अब जैसे ही मैंने मटका बोला, आधों के दिमाग में तो गाना शुरू हो गया होगा, गजबन पानी ले चाली, उससे बाहर आइए और वापस इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट में घुस जाइए। देखिए क्या है कि वाटर रिमेन्स कूलर इन अर्थन पॉट्स, कि मिट्टी के घड़े में। आजकल तो वैसे भी ये कहा जा रहा है कि अब टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट हुई है, पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों पर वापस आइए, तो कहा जाता है कि मटके का पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैं ये कहूँ कि केमिकली, या हम लोग कहें कि आर्टिफिशियली, हमने कुछ भी नहीं करवाया, स्पॉन्टेनियसली अपने आप होता है, पोर्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे, वहाँ से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स निकल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और वो वेपोराइज होके बाहर जाना चाहते हैं, इवेपोरेट होना चाहते हैं, इवेपोरेट होने के लिए उनको क्या चाहिए, हीट। हीट कहाँ से लेंगे, बाकी बचे हुए पानी से, अर्थन पॉट से, तो वहाँ से हीट लेके वो लोग क्या करेंगे, मैं फिर से सॉरी बार बार लॉग बोल जाती हूँ, पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी ले लेके, हीट ले लेके हवा के अंदर जाते रहेंगे, सराउंडिंग्स में जाते रहेंगे, और जैसे वो हीट जिससे ले लेंगे, वो बेचारा क्या होगा, ठंडा ही होगा, उसके पास तो हीट कम हो जाएगी। सो इन दिस वे जो बचा हुआ पानी होता है अर्थन पॉट के अंदर, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इवेपोरेशन की वजह से ही अर्थन पॉट्स के अंदर वाटर जो है वो ठंडा रहता है। तो ये जो चीज़ें थी, ये थी एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। इसके साथ ही आप लोगों को ये जो लास्ट पॉइंट है, बड़े अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसके साथ ही अगर मैं लिंक बोलूं, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये पूछा जाता है। इसके अंदर क्या है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। हम लोगों ने इतनी एप्लीकेशंस की, हर एक के अंदर हमने डिस्कस किया कि ये पार्टिकल है भैया, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये सराउंडिंग्स में जाएगा, वो जैसे ही निकल के सराउंडिंग्स में जाएगा, चाहे हमारी अपनी बॉडी है, हमारी बॉडी से पसीना बाहर आया, उसको निकल के बाहर जाना है एयर के अंदर, तो वो हमारी बॉडी से हीट लेके वापस स्टेट में चला जाएगा, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। इन दिस वे इवेपोरेशन ने कूलिंग कॉज की। और जो टी की हमने बात की कि टी जो है ठंडी हो जाती है, उसके अंदर भी क्या है, उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स टी से एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं उसको बेचारी को छोड़ के ठंडा। इन दिस वे अर्थन पॉट्स के अंदर भी हमने किया। तो विद एग्जांपल्स आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, यू विल से सरफेस मॉलिक्यूल्स विल गेन एनर्जी फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड और फ्रॉम सराउंडिंग्स और फ्रॉम द कंटेनर एंड दे विल लीव द सरफेस। तो अगर वो एनर्जी लेके जा रहे हैं तो बाकी बची हुई चीज़ क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इन दिस वे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है एग्जामिनेशन में, why do we see water droplets, कि जैसे ही आपके पास एक कंटेनर है, एक बीकर है, कोई भी गिलास है, वाटर
droplets. Why do you see water droplets on the outer surface of a glass? Glass किसी भी चीज का बना हो सकता है. Glass containing ice or ice water. Ice या फिर ice cold water. आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा, मेरी बेटी है छोटी सी 6-7 years की, वो क्या करती है, एक दिन उसने मुझे ये कहा कि चलो मम्मा मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ. मैजिक क्या किया कि उसने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर आइस डाल दी बहुत सारी. कहती देखो मैंने डाली तो इसके अंदर है और बाहर ही ड्रॉप्स छोटी छोटी, देखो पानी अपने आप आ गया. सो अकॉर्डिंग टू हर दैट वॉज मैजिक, लेकिन वो मैजिक नहीं है, दैट इज इवेपोरेशन. क्या है कि जैसे ही आप आइस ग्लास या उसके अंदर आइस या आइस कोल्ड वाटर रखते हैं तो क्या होता है कि जो आसपास एयर है उसके अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है. अब वो पार्टिकल्स क्या है कि इसके पास हीट बहुत कम है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे उल्टा प्रोसेस होगा इसका. ये जो इवेपोरेशन थी, ये जो इसका आंसर है, इवेपोरेशन का ऑपोजिट है कंडेंसेशन है. जो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये इससे एनर्जी ले लेते हैं तो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं. ये जो प्रोसेस है ये मैं कहूँ कि इसका जो आंसर है दैट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जैसे ही यहाँ पे आएंगे दे विल गेन, आप कहेंगे कि अपनी हीट इनको देके ये क्या करेंगे कि खुद सेटल डाउन होते जाएंगे क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है. वेपर स्टेट के अंदर वो प्रेजेंट है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है और जो हीट है इसके पास बहुत आइस है अंदर जो, इसके पास बहुत कम है एनर्जी, इसके पास बहुत कम हीट है, हीट एनर्जी बहुत कम है. तो ये मॉलिक्यूल्स जो पास में ही अपनी एनर्जी हीट को ट्रांसफर कर जाएंगे और इनकी खुद की कम हो जाएगी, खुद की कम होते ही दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. तो वेपर से लिक्विड स्टेट में आने वाला प्रोसेस कंडेंसेशन. तो इस कंडेंसेशन की वजह से हमें इस ग्लास के बाहर बाहर छोटी 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 ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नज़र आती है. तो ये था कॉन्सेप्ट सारा का सारा इवेपोरेशन का. एंड आप लोगों को एक क्लियर कट डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है. इसके बाद जो हम अगला लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेके आएंगे, टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, क्वेश्चन बेस्ड वो होगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा. इसके साथ साथ आप लोगों को, या मैं कहूँ कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर टेम्परेचर कन्वर्जन है कि आप लोग डिफरेंट ए स्केल से सेल्सियस से फारेनहाइट से आपको रूमर स्केल सेंटीग्रेड किसी भी स्केल के अंदर आपको जाना है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बड़ा अच्छा एक शॉर्ट छोटा सा बड़ा अच्छा एक मैथड बताऊँगी कि आप किसी पर भी इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.